नमस्कार दोस्तों, टैश किताब में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सन्नी यादव। तो आइए शुरुआत करते हैं। हमारा जो जीव विज्ञान का अध्याय चला हुआ था जिसका नाम था अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड, या आप इसे एंडोक्राइन सिस्टम भी बोल सकते हैं, क्योंकि एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हमें क्या पढ़ना है, हमें एंडोक्राइन ग्लैंड के विषय में ही पढ़ना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, कल हमने बताया था कि ग्रंथि क्या चीज़ है, तो हमने उसमें बताया था कि शरीर का कोई भी ऐसा अंग जो जूस, एंजाइम या हार्मोन स्रावित करता है वो क्या कहलाएगा, वो ग्रंथि कहलाएगा, ग्लैंड कहलाएगा। सिंपल सी बात है। तो उसमें हमने बताया था जो ऑर्गन जूस या एंजाइम स्रावित करेगा वो होगा बाह्य स्रावी, और जो आपका हार्मोन स्रावित करेगा वो होगा अंतःस्रावी, और जो तीनों चीज़ स्रावित करता है उसे कह देगा मिश्रित ग्रंथि, मिक्स्ड ग्लैंड। और मिश्रित ग्रंथि का केवल एक ही उदाहरण है और वो है हमारा अग्नाशय पैनक्रियाज, जो कि जूस भी, एंजाइम भी निकालेगा और आपके हार्मोन भी निकालता है। तो कल हमने बाह्य स्रावी ग्रंथि के विषय में बताया था आपको कि कौन कौन सी बाह्य स्रावी ग्रंथि है। उसी के साथ हमने कल जो अंतःस्रावी ग्रंथि है, अंतःस्रावी जो ग्रंथि है उनका भी अध्ययन हमने शुरू किया था। तो हमने बताया था कि अंतःस्रावी ग्रंथि कौन कौन सी है, तो हमने बताया था जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क में तीन अंतःस्रावी ग्रंथि हैं। एक बताया था हमने हाइपोथैलेमस, और दूसरा हमने क्या बताया था, दूसरा बताया था हमने प्यूस, और तीसरा बताया था पीनियल। ये कहाँ पे है तीनों के तीनों, तो ये तीनों की तीनों किस जगह है, ये है आपकी मस्तिष्क में, ठीक है। उसके बाद बताया था गले में कौन सी है, थायराइड। इसी के साथ गले में एक और है, कौन सी, पैराथायराइड। उसके बाद ये कहाँ होगी, आपकी गले में होगी, थ्रोट में होगी। उसके बाद बताया था आपकी चेस्ट में होगी, और जो चेस्ट में होगी वो आपकी कौन सी ग्रंथि होगी, वो होगी आपकी थाइमस। कौन सी होगी, थाइमस। इसी के साथ बात करी थी हमने किसकी, अग्नाशय की, पैनक्रियाज। और इसी के साथ हमने बात किसकी करी थी, अधिवृक्क, एड्रीनील ग्रंथि के विषय में। और इसी के साथ हमने बात करी थी जनन ग्रंथियों के विषय में, गोनेड ग्लैंड के विषय में। तो हमने बताया था कि हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां ये हैं, हमें इनके विषय में हमें अध्ययन करना है। तो हमने क्या है, इनमें से अगर देखा जाए, हमने कल पीनियल ग्रंथि के विषय में हम पढ़ चुके थे, थायराइड ग्रंथि के विषय में हम पढ़ चुके थे, पैराथायराइड के विषय में पढ़ चुके थे, थाइमस के विषय में भी हमने क्या कर लिया था, पढ़ लिया था, और जो हमारी जनन ग्रंथि है उनके विषय में भी हमने पढ़ लिया था, जिसमें बताया था कि महिलाओं में जो होगी ओवरी होगी और पुरुषों में आपका टेस्टिस होगा, वृषण होगा, जिससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलेगा, और महिलाओं में जो है एस्ट्रोजन निकलेगा और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलेगा। वो सारी बात कल बताई गई थी। तो हमारी 1, 2, 3, 4 और 5 ग्रंथि हमने कल करा दी थी। अब हमारी बची हुई है 4 ग्रंथि, एक तो हाइपोथैलेमस, एक प्यूस, और इसके अलावा कौन कौन सी, अग्नाशय और एड्रीनिल। तो आइए आज इन चारों की ग्रंथियों को हम देखते हैं, उसके बाद फिर हम कल नया अध्याय शुरू करेंगे, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं जो बची हुई शेष ग्रंथि है। अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी तो पहले आप कल की क्लास देखिए, इससे जो पहला पार्ट है इसका अंतःस्रावी ग्रंथि का, जब भी आपके जो ग्रंथि का टॉपिक है ये समझ में आएगा, विस्तार से बताया गया है आपका, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं, हम सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे वो करेंगे हम अग्नाशय की, अग्नाशय की। तो हमने बताया था अग्नाशय कैसी ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि है, इसे हम बाह्य स्रावी में भी रखते हैं और इसे हम अंतःस्रावी में भी रखते हैं। तो कल जब बाह्य स्रावी के बारे में बताया था तो वहां पर भी इसे रखा था, ठीक है। तो अब इसे अंतःस्रावी के तौर पर हम देखते हैं, ठीक है। तो अगर अग्नाशय की बात करें, इसकी खोज लैंगरहैंस नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो आपसे पूछेगा जो अग्नाशय है, अग्नाशय की खोज किसने करी थी, आपकी लैंगरहैंस नामक वैज्ञानिक ने की थी, आपकी अग्नाशय की खोज, पैनक्रियाज की खोज। देखिए, जो अग्नाशय है, अग्नाशय के अंदर चार प्रकार की सेल पाई जाती है, चार प्रकार की सेल, अभी हम बताएंगे कौन कौन सी सेल है, लेकिन हमें यहाँ पे केवल तीन प्रकार की सेल पढ़नी है आपकी। तो चार प्रकार की पाई जाती है, लेकिन हम जो यहाँ पढ़ेंगे वो तीन प्रकार की पढ़ेंगे। देखो कौन कौन सी सेल होगी वो। अगर पहले नंबर की सेल की हम बात करें
तो पहले नंबर की जो सेल होगी वो होगी हमारी अल्फा सेल, अल्फा सेल यानी कि अल्फा कोशिका, ठीक है। दूसरी की बात करें तो है बीटा सेल यानी बीटा कोशिका, और तीसरी की बात करें तो है डेल्टा सेल, और चौथी की बात करें तो है एफ सेल, एफ सेल। ये चार प्रकार की सेल पाई जाती है अग्नाशय, इसके अंदर चार प्रकार की कोशिकाएं हैं, सेल हैं आपकी, इसका नाम है अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल और एफ सेल आपका। जो ये अल्फा, बीटा और डेल्टा सेल है, अल्फा, बीटा और जो डेल्टा सेल है, ये तीनों के तीनों जो सेल निकालती है, ये निकालती है आपका हार्मोन। ये आपका क्या निकाल लेगी? तो ये निकाल लेगी आपका हार्मोन। तो जब हार्मोन निकाल लेगी तो हमने बताया था वो ग्रंथि जो हार्मोन निकाल लेगी उसे क्या कहा जाएगा? उसे अंतःस्रावी ग्रंथि कहा जाएगा। लेकिन अगर एफ सेल की बात करें तो हमारे जो एफ सेल है वो क्या निकालती है? वो निकालती है आपका एंजाइम, वो निकालती है आपका एंजाइम। एफ सेल जो है वो एंजाइम निकालती है। तो भैया ये हार्मोन भी निकाल ली, एंजाइम भी निकाल ली, तो इस वजह से हमने इसका नाम क्या दे दिया? मिश्रित ग्रंथि कह देते हैं। अगर आपसे पूछे कि मिश्रित ग्रंथि कौन सी है तो अग्नाशय ही एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है, इस वजह से हम दोनों स्थान पर पढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि। तो हम यहाँ पे केवल अल्फा, बीटा और डेल्टा के विषय में पढ़ेंगे, एफ सेल के विषय में नहीं पढ़ेंगे कि वो कौन से एंजाइम निकाल रहा। आप कमेंट करके बता सकते हो कि जो एफ सेल है वो कौन से एंजाइम निकालती है। आपको मैं बता दूं एफ सेल जो है वो तीन एंजाइम निकालती है, और जो आपको पाचन तंत्र पढ़ाया था तो पाचन तंत्र में जब अग्नाशय पढ़ाया था तो उन तीनों के तीनों एंजाइम के विषय में बताया था कि एंजाइम आपके एफ सेल से निकलते हैं। तो उसे मैंने बताया था आपको चारों ग्रंथियों के बारे में कि हार्मोन निकाले गए, लेकिन वहां पर ये तीनों छुड़वा दी थी मैंने, और ये कहा था कि इसे कहाँ पढ़ेंगे? हम ग्रंथियों में पढ़ेंगे। लेकिन एफ सेल के विषय में बताया था कि ये तीन एंजाइम निकालेगी, तो आप कमेंट करके बताएंगे कि कौन से वो तीन एंजाइम है अगर आपके याद है, ठीक है। तो अब बढ़ते हम इन तीनों सेल के विषय में, ठीक है। आपको पता लग गया कि तीनों की तीनों जो सेल है, ये तीनों की तीनों जो सेल है ये क्या निकालेगी? ये आपके हार्मोन निकालने का काम करेगी। तो अगर अल्फा सेल की बात करें तो अल्फा सेल निकालती है ग्लूकागोन हार्मोन, ग्लूकागोन हार्मोन क्या निकालेगी? ये ग्लूकागोन हार्मोन, एक हार्मोन निकाल लेगी, उस हार्मोन का नाम क्या है? ग्लूकागोन हार्मोन। तो अगर आपसे पूछता है कि ग्लूकागोन हार्मोन कौन निकालेगा, तो ग्लूकागोन हार्मोन निकाल लेगा आपका अल्फा सेल, ठीक है। ये बात आप याद रखेंगे, अभी काम बताएंगे इनका काम क्या है। बीटा सेल की बात करें तो बीटा सेल जो निकालने का काम करेगी वो करेगी आपका इंसुलिन हार्मोन, और इंसुलिन हार्मोन के विषय में आपने सुना होगा कि इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जा? मधुमेह, डायबिटीज बोल लो, शुगर बोल लो आपका, ठीक है। तो आपका इंसुलिन हार्मोन। उसके बाद अगर डेल्टा सेल की बात करते हो, हार्मोन निकालते हो, हार्मोन का नाम है सोमेटोस्टीन हार्मोन, सोमेटोस्टीन हार्मोन। तो अगर आपसे पूछे भाई इंसुलिन हार्मोन कौन निकाल रहा, तो बीटा सेल निकाल रहा। ग्लूकागोन हार्मोन कौन निकाल रहा, तो अल्फा सेल निकाल रहा। सोमेटोस्टीन हार्मोन कौन निकाल रहा, तो डेल्टा सेल निकाल रहा। और एफ सेल क्या निकाल रही, तो आपके एंजाइम निकाल रही। तो कौन कौन से एंजाइम निकाले अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर दे, अगर नहीं पता तो आप जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ें आपको, वहां पे आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो पता लग गया, इतनी बात आप याद रखेंगे, अल्फा सेल ग्लूकागोन हार्मोन निकाल लेगी, बीटा सेल इंसुलिन हार्मोन निकाल लेगी, और डेल्टा सेल निकाल लेगी आपकी सोमेटोस्टीन हार्मोन, ठीक है। चलिए अब इसे याद रखेंगे कि तीन हार्मोन कौन कौन सी सेल निकाल रही। अब इसे हम आगे बढ़ते से रफ करते हैं, बाकी आज आप जो है आपकी जो पीडीएफ है इसकी, अंतःस्रावी जो तंत्र है इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी, प्राप्त हो जाएगी टेलीग्राम चैनल में टेस्ट किताब के नाम से। जो है जैसे टॉपिक पूरा होता है, मैं टॉपिक पूरा होने के बाद आपको पीडीएफ डाल दूँ, जैसे दो पार्ट है किसी वीडियो के, तो जैसे ही दो पार्ट कंप्लीट होंगे वीडियो अपलोड होगी उसके बाद जो है आपको उसके जो पीडीएफ जो है वो आपको दे दी जाएगी, ठीक है। तो आपको पता लग गया कि भाई जो अल्फा सेल है वो कौन सा निकालेगी, ग्लूकागोन हार्मोन। जो बीटा सेल है वो कौन सा निकालेगी आपका, इंसुलिन हार्मोन, कौन सा, इंसुलिन हार्मोन। और आपका जो डेल्टा सेल है, जो आपका डेल्टा सेल है वो क्या निकालेगी आपका, सोमेटोस्टीन हार्मोन। तो ये तीन हार्मोन के विषय में आपको बता दिया, इन्हें आप याद रखेंगे, ठीक है। अब पढ़ते हैं थोड़ा सा इन तीनों हार्मोन के विषय में जो आपको बताया। तो अब इसमें हम ले लेंगे सबसे पहले कौन सा हार्मोन ले लेंगे, इंसुलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन ले लेंगे, इंसुलिन हार्मोन।
भाई हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, अंतःस्रावी ग्रंथि। और अंतःस्रावी ग्रंथि में हम क्या पढ़ रहे हैं, पैनक्रियाज, अग्नाशय के विषय में पढ़ रहे हैं। तो मैंने अग्नाशय से रफ कर दिया, कभी आप सोचो किसके विषय, अग्नाशय में तो था इंसुलिन हार्मोन, तो इतना तो ध्यान देंगे आप यहाँ पे इंसुलिन हार्मोन। अब देखो बात समझो, यहां पर मैं बात को लिख रहा हूं, देखो इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज, इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की अवस्था, ग्लाइकोजन की अवस्था में बदलकर यकृत यानी कि लीवर में संग्रहित कर देता है। उसके बाद आगे लिख रहे हैं, इंसुलिन हार्मोन की कमी से, इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है, मधुमेह रोग हो जाता है। यानी कि जो डायबिटीज है, शुगर है आपकी, वो जाती है। बात को समझ देखो, इंसुलिन हार्मोन, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि इंसुलिन हार्मोन निकलेगा कौन सी सेल्स है, बीटा सेल्स है। बीटा सेल किसमें पाया जाएगा, पैनक्रियाज में। पैनक्रियाज क्या है, एक मिश्रित ग्रंथि है, ठीक है। तो इसमें आप लिखा है, इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की अवस्था में बदलकर लीवर में संग्रहित कर देता है। संग्रहित का मतलब होगा स्टोर करना। देखिए आप ग्लूकोज ले रहे हैं, ग्लूकोज का मतलब है आपने अगर कोई मीठा खाया, आपने शुगर लिया, तो उसमें ग्लूकोज की थोड़ी कुछ ना कुछ मात्रा पाई जाएगी आपकी। तो आपने मीठा खाया, उसमें ग्लूकोज की मात्रा है। अब हमारे शरीर को जितनी चाहिए थी वो तो शरीर ने ले लिया, लेकिन जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, उसे क्या करेगा, जो ये इंसुलिन हार्मोन है, इंसुलिन हार्मोन उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की अवस्था में बदल देगा। मतलब ग्लूकोज था, ग्लूकोज की किसकी अवस्था में चेंज कर दिया, ग्लाइकोजन की अवस्था में चेंज कर दिया। अरे जैसे आपका दूध है, और उसके बाद दूध को, दूध का जो पाउडर है उसमें कन्वर्ट कर देते हैं, वही लंबे टाइम के लिए चाहिए हमें कि एक साल तक इसे संग्रहित करके रख दो, कि एक साल बाद जब आवश्यकता होगी हमें, जब हम प्रयोग करेंगे इस दूध का, तो जितना हमें चाहिए था उतना तो शरीर ने ले लिया, लेकिन हमारे पास एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज आता जा रहा शरीर में। तो उस टाइम हम क्या करें, जो इंसुलिन हार्मोन है उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देगा, और कहाँ संग्रहित कर देगा, लीवर में संग्रहित कर देगा, लीवर में स्टोर कर देगा। अब दूसरी बात को समझो, यहाँ पे इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है, और जो इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, मधुमेह रोग हो जाएगा। अब बात समझो यहाँ पर ध्यान से, आपके शरीर से इंसुलिन हार्मोन कम निकल रहा, जब इंसुलिन हार्मोन कम निकल रहा, अब आपके शरीर में जब ग्लूकोज आ रहा है, तो जब ग्लूकोज आ रहा है जितनी शरीर को आवश्यकता थी वो तो शरीर ने ले लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, ऊर्जा में लगा लिया, लेकिन जो एक्स्ट्रा आ रहा, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज आ रहा, तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज क्या है, लीवर में जा ही नहीं रहा, संग्रहित ही नहीं हो रहा। क्यों नहीं संग्रहित हो रहा, इंसुलिन हार्मोन कम निकल रहा, तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में नहीं बदल पा रहा। जब ग्लाइकोजन में नहीं बदल पा रहा, तो हमारे शरीर में वो जो ग्लूकोज है, जो शुगर है, उसकी मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी। तो जब ज्यादा होगी तो कौन सा रोग होगा, मधुमेह रोग होगा। तो ये बात आप याद रखेंगे। और मधुमेह के भी दो टाइप हो, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 जो हो वो अधिकतर बच्चों में पाया जाए, एक प्रकार से कहा जाए अनुवांशिक तौर पे, और टाइप 2 जो हो वो वयस्कों में भी कह सको। टाइप 2 का इलाज है भी, टाइप 1 का जो परमानेंट इलाज अभी नहीं है आपका। टाइप जो 2 हार्मोन होता है, जो टाइप 2 जो डायबिटीज होगी, मधुमेह होगा, वो आपका जो दिनचर्या है रूटीन में गड़बड़ की वजह से होगी आपकी, ठीक है। तो आपको इतना पता लग गया इंसुलिन हार्मोन, ठीक है। चलो भाई अब हम अगला पढ़ते हैं, इंसुलिन हार्मोन हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे ग्लूकागोन हार्मोन के बारे में। ग्लूकागोन हार्मोन कौन सी सेल से निकल रहा था, अल्फा सेल से निकल रहा था, ठीक है। तो यहां देखेंगे, तो यहां लिखेंगे ग्लूकागोन हार्मोन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज की अवस्था में बदल देता है
ग्लूकागोन हार्मोन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज की अवस्था में बदल देता है। बात को समझिए। अब मान लीजिए हमारे शरीर को ग्लूकोज की आवश्यकता है और हमें ग्लूकोज बाहर से नहीं मिल रहा, तो जब हमें बाहर से ग्लूकोज नहीं मिल रहा तो हमें ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा ग्लूकोज से मिलेगी हमें जब ग्लूकोज टूटेगा। तो हमारे शरीर में जो ग्लूकोज था, जो ग्लूकोज कहीं की फॉर्म में से हुआ था लीवर में ग्लाइकोजन की फॉर्म में, तो ये हार्मोन क्या करेगा, वो उस जो ग्लाइकोजन में कराया था ना उसे ग्लाइकोजन में कहीं कन्वर्ट में कर देगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। बताया था आपको जो दूध था पाउडर मिल्क था उसे संग्रहित कर दिया, अब हमें चाहिए तो उसमें पानी मिला देंगे थोड़ा सा, तो वो क्या है अपने दूध की फॉर्म में आ जाएगा। तो इसी प्रकार जो सेव हुआ था उसे, ठीक है, और आपका ग्लूकागोन के विषय में आप लिख सको इसे फास्टिंग हार्मोन हार्मोन भी कहा जाता है। इसे फास्टिंग हार्मोन भी कहा, फास्टिंग हार्मोन का मतलब है भाई आपका फास्ट है, आपका व्रत है। जब आपका व्रत है तो आप बाहर खा नहीं रहे कुछ भी, जब आप बाहर से कुछ खा नहीं रहे आपको ग्लूकोज नहीं मिल रहा, लेकिन जब आपको ग्लूकोज नहीं मिल रहा लेकिन आपके शरीर को तो ग्लूकोज चाहिए, एनर्जी चाहिए आपके, तो वो क्या है जो पहले से ही हमारे जो लीवर में संग्रहित है, तो क्या है जो ग्लूकागोन है उसे तोड़ गए और ग्लाइकोजन से कहीं की अवस्था बदल देगा आपकी, वापस ग्लूकोज की अवस्था में आपका बदल देगा, ठीक है। तो ये था हमारा एक प्रकार से देखा जाए अग्नाशय के विषय में। अब आप कहोगे जी कि जो सोमेटोस्टीन हार्मोन है जो तीसरा लिखवाया था आपका, जो आपका डेल्टा सेल से निकल रहा था, तो उसका कोई ज़्यादा खास प्रयोग नहीं है, ठीक है, बस इतना याद रखो अल्फा बीटा डेल्टा से कौन कौन से निकल ले, ये दो महत्वपूर्ण थे तो ये दो आपको करा दिए गए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, अब हम हमारी अगली ग्रंथि है, इसका नाम है एड्रीनील ग्रंथि, ठीक है। अब हमारी अगली ग्रंथि होगी, इसका नाम होगा एड्रीनील ग्रंथि, इंग्लिश में नाम एड्रीनील, हिंदी में बोल देते हैं इसे अधिवृक्क ग्रंथि। वृक्क का मतलब होगा आपका किडनी और अधिका उसके ऊपर, ठीक है। तो किडनी आपको पता होगा कितनी है, दो, तो एड्रीनील भी कितनी ग्रंथि होती है, दो होती हैं आपकी, दोनों किडनी के ऊपर होती हैं। तो इस वजह से क्या बोलते हैं, अधिवृक्क बोल देते हैं। और जो इनकी संख्या होती है वो कितनी होगी, इनकी संख्या भी दो होती है, ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। तो पहली बात तो ये याद रखेंगे कि एड्रीनील जो है किसके ऊपर होगी, किडनी के ऊपर होंगी, वृक्क के ऊपर होंगी, उनकी संख्या कितनी होगी, दो होगी या एक जोड़ी होगी, ठीक है। चलो भाई अब आगे देखते हैं, तो इस एड्रीनील ग्रंथि से जो हार्मोन निकलेगा उसका नाम होगा एड्रीनील हार्मोन। देखो एड्रीनील ग्रंथि से जो हार्मोन निकलेगा उस हार्मोन का नाम क्या है, एड्रीनील हार्मोन। अब यहां से क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जा, अब सब जगह एड्रीनील हार्मोन किस ग्रंथि से निकल रहा है, एड्रीनील ग्रंथि से निकल रहा है या अधिवृक्क ग्रंथि से निकल रहा, लेकिन इसी के साथ इससे कुछ और जुड़े हुए हैं टॉपिक, क्या चीजें जुड़ी हुई हैं, इसे इस ग्रंथि को आपका 4S के नाम से भी जाना जा, 4S के नाम से भी जाना जा। अब 4S का क्या मतलब है, आप सब बुझ जाओ कौन सा हार्मोन से जब 4S के नाम से जाना जा, या वो कौन सी ग्रंथि है 4S के नाम से जाना जा, 4S का मतलब क्या होगा, अब S का मतलब क्या होगा, 4S का मतलब है स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब क्या होगा, तनाव, तनाव को नियंत्रित करने का कार्य करे एक प्रकार से, ठीक है। इसी के साथ बात करें शुगर को भी कंट्रोल करने का काम करे कुछ हद तक। इसी के बाद साथ बात करें तो साल्ट को भी कुछ हद तक हमारी जो सेल्स उनमें कंट्रोल करने का कार्य करे। और उसी के साथ बात करें सेक्सुअल कैरेक्टर, जो लैंगिक लक्षण है उन पर भी ये प्रभाव डालती है आपकी। तो अगर आप सब बुझे कि भाई वो कौन सी ग्रंथि है जिसे 4S भी कहा जाए, कौन सा हार्मोन से 4S के नाम से जाना जा, तो होगा हमारा एड्रीनिलीन हार्मोन 4S। 4S के साथ साथ इसे 3F के नाम से भी जाना जा, 3F। तो 3F कौन सा है, फियर, फाइट और फ्लाइट। फियर, फाइट और फ्लाइट मतलब एक प्रकार से कहा जा जो एक डर का अनुभव हो, एक जो डर महसूस होता है, तो जो अगर डर महसूस होगा उस समय हार्मोन सीक्रेट होना शुरू हो जाएगा आपका। और जो आप फाइट जो लड़ते हो आपके अंदर आ गए, एक लड़ने की क्षमता आ गई, एकदम तो आवेश में आ गए, तो भी उसी की वजह से।
फ्लाइट फ्लाइट का मतलब वहां से एकदम से लड़के आपका निकल जाना है इस एक प्रकार से। इसे हिंदी में बोलते हैं उड़ो या लड़ो ग्रंथी, उड़ो या लड़ो ग्रंथी किसे कहा जा, तो किसे कहा जाएगा आपका एड्रेनल ग्रंथियों को कहा जाएगा आपका, ठीक है, ये बात याद रखेंगे। और इसी के साथ इसी ग्रंथि को इमरजेंसी ग्रंथि, इमरजेंसी ग्रंथि ये नाम से, इमरजेंसी ग्रंथि बोलो या आप इसे बोल सको आपातकालीन, ठीक है, डू और डाई भी बोल सको आप, लेकिन बस इतना आप याद रख लो इसके विषय में कि 3F किसे कहा जा, 4S किसे कहा जा, फियर फाइट फ्लाइट क्या है, आपका स्ट्रेस सुगर साल्ट और सेक्सुअल कैरेक्टर और इमरजेंसी आपकी ग्रंथि, ठीक है, करो या मरो, उड़ो या लड़ो आपका, ठीक है। तो एड्रेनल के विषय में इतना ही, अब हम आगे चलते हैं अपनी अगली ग्रंथि को देखेंगे। अब हम नेक्स्ट ग्रंथि की अगर बात करें तो नेक्स्ट ग्रंथि जो होगी हमारी, तो नेक्स्ट ग्रंथि कौन सी होगी, पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि जिसे हम इंग्लिश में बोल रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि। इसकी खास बात यह है कि पीयूष ग्रंथियों का आया मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्रंथि। तो अगर आपसे कहा जाए कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाए तो आप किसे बताओगे, पीयूष ग्रंथि को कहोगे कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, ठीक है, ये बात आप याद रखोगे। अब इसे मास्टर ग्रंथि इस वजह से कहा जाए, हाइपोथैलेमस ग्रंथि को छोड़ के बाकी सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करने का, उन्हें निर्देश देने का जो कार्य करती है वो ये ग्रंथि करती है, ठीक है, पीयूष ग्रंथि। और उसके बाद दूसरी बात करें तो जो पीयूष ग्रंथि है वो दूसरी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, दूसरी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, दूसरी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, दूसरी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि। देखो अब एग्जाम में क्या होता है, ये जो सबसे छोटी ग्रंथि है वो पीनियल ग्रंथि है आपकी, लेकिन एग्जाम में क्या आता है, आप सब जगह सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, अब वहां पर अगर ऑप्शन में पीनियल नहीं है तो आंसर क्या लगाओगे आप, प्यूस लगाओगे आप, क्योंकि प्यूस क्या है, दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है आपकी, दूसरी सबसे छोटी, जब वहां पर पीनियल नहीं है तो आप क्या लगाओ, दूसरी सबसे दूसरी छोटी कौन सी हो जाएगी आपकी, प्यूस हो जाएगी, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, प्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो आप याद रखेंगे दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है, तो ये कई सारे हार्मोन निकालना है आपका, तो हार्मोन को देखते हैं, तो पहला हार्मोन है इसका टी एस एच हार्मोन, थायरो स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आपसे पूछेगा टी एस एच हार्मोन कहां से निकलना, पीयूष ग्रंथि से, पूरी फुल फॉर्म मुझे लगा इसका थायरो स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब इसका काम क्या करे, जो थायराइड ग्रंथि है ना, थायराइड ग्रंथि आपको पढ़ाया था, थायराइड पैराथायराइड, थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि को कंट्रोल, थायराइड ग्रंथि को कंट्रोल करने का कार्य जो करेगी वो आपकी यही ग्रंथि करेगी आपकी, ठीक है। तो थायराइड ग्रंथि है उसे जो कंट्रोल करने का कार्य करेगी वो टीएसएच करेगी आपकी, ठीक है। उसके बाद दूसरे हार्मोन की बात करें तो दूसरा हार्मोन है सोमैटोट्रोफिन हार्मोन, सोमैटोट्रोफिन हार्मोन, सोमैटोट्रोफिन हार्मोन, भाई इसे कहा जाए दूसरा नाम हो जाए इसका वृद्धि हार्मोन, वृद्धि हार्मोन, और इसी का दूसरा नाम है हाइट हार्मोन, हाइट हार्मोन, हाइट जो बढ़ती है वो इसी हार्मोन की वजह से बढ़ती है। अगर सोमैटोट्रोफिन हार्मोन किसी व्यक्ति में बहुत ज़्यादा निकल गया तो उसका जो शरीर है वो भीमकाय हो जाएगा, भीमकाय शरीर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर जो आपका ग्रेट खली है तो उसका शरीर क्या है, भीमकाय शरीर है, लंबाई काफ़ी ज़्यादा है, तो उसमें क्या है सोमैटोट्रोफिन जो हार्मोन है वो बहुत ज़्यादा निकल गया उसमें, ठीक है। इसी प्रकार यदि बात करें अगर किसी व्यक्ति में सोमैटोट्रोफिन हार्मोन कम निकलता है, तो अगर किसी व्यक्ति में सोमैटोट्रोफिन हार्मोन कम निकलेगा तो व्यक्ति जो है बोनेपन का शिकार हो जाएगा, इस व्यक्ति की हाइट नहीं बढ़ेगी, वो बोनेपन का शिकार होगा। और जिसमें सामान्य निकल रहा है तो वो सामान्य भारत में लगभग आपका ये मान के चलो 6 फुट तक सामान्य ही माना जाए आपका, ठीक है। तो ये बात होगी हमारी, ठीक है, सोमैटोट्रोफिन।
हमने पीयूष ग्रंथियां पढ़ लिया, टीएसएच हार्मोन पढ़ लिया, थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्रंथियों को कंट्रोल कर लेगा, सोमैटोट्रोफिन हार्मोन पढ़ लिया, ये क्या करेगा हमारी वृद्धि करेगा। उसके बाद इसे रफ करके मैं अगला आपको करा रहा हूं, और जो हमारा अगला जो हार्मोन होगा, हमारे अगले हार्मोन का नाम होगा प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन पीयूष ग्रंथि के अंतर्गत तीसरा हार्मोन पढ़ेंगे हम, प्रोलैक्टिन हार्मोन। यहां पर नंबर तीन लिख रहा मैं, दो हो गए इससे पहले, प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन। अब प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है ये दूध बनाने में सहायता करता है। क्या बनाने में? दूध बनाने में, दूध बनाने में सहायक होता है, सहायक होता है, दूध बनाने में सहायक होता है। जो माता है, तो जो माता के में मतलब जो स्तनों में जो दूध लाने का जो कार्य करता है आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन करेगा। ठीक है, ये जो दूध है माताओं में जो दूध है दूध बनाने का कार्य करेगा आपका। जिस समय वो गर्भवती होगी, समय शिशु को जन्म देगी, तो उस समय जो दूध है स्तनों में वो प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से आता है। ठीक है, उसके बाद अगले हार्मोन की बात करें तो अगले हार्मोन का नाम होगा नंबर चार, ACTH। ACTH हमारा जो अगला हार्मोन है वो है ACTH, एडिनो कार्टिक्स एडिनो कार्टिक ट्रोफिन हार्मोन। ट्रोफिन हार्मोन, बस यहां शॉर्ट में लिख रहा मैं H4 हार्मोन। तो ये क्या करेगा, ये किशोरावस्था, ये किशोरावस्था लाने व समाप्त करने में मदद करता है। किशोरावस्था लाने और समाप्त करने में मदद करता है, मतलब जो किशोर जो आप शिशु हो बालक हो से जो किशोरावस्था में लाओगा और उसके बाद फिर युवावस्था में पहुंचाने का जो काम करेगा ये करेगा आपका, कि जो आपके शरीर है शरीर में जो चेंजेस होगा, लड़कियों में अलग चेंज होगा, जो लड़के हैं उनमें अलग चेंज होगा, तो जो चेंज करने का जो हार्मोन करेगा वो कौन करेगा, ACTH करेगा। जो लड़के हैं उनके हल्की हल्की जो आपकी मूछ आने लगेगी इस प्रकार से, जो सारे के सारे जो चेंज करेगा वो कौन सा हार्मोन करेगा, तो करेगा आपका ACTH हार्मोन। ठीक है, अब अगला हार्मोन पढ़ेंगे उसका नाम है, अगले हार्मोन का नाम होगा ADH। ADH पूरी फुल फॉर्म होगी एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन, और इस हार्मोन को, इस हार्मोन का दूसरा नाम है वेसोप्रीन हार्मोन। वेसोप्रीन हार्मोन, और ये क्या करता है वेसोप्रीन हार्मोन, ये जो हमारा यूरिन है, जो मूत्र है, मूत्र में पानी की मात्रा को कंट्रोल करेगा, मूत्र में पानी की मात्रा को कंट्रोल, मूत्र में पानी की मात्रा को क्या करेगा, ये कंट्रोल करने का कार्य करेगा कि जो मूत्र है उसमें पानी की मात्रा कितनी जा गई आपके। ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH, ACTH, प्रोलैक्टिन पढ़ लिया हमने। ठीक है, इससे पढ़ा था, इससे पहले पढ़ा हमने सोमैटोट्रोफिन हार्मोन, उससे पहले पढ़ा हमने TSH हार्मोन, थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। एक हार्मोन और बचा हुआ है इसका, वो भी करा देते हैं आपको। तो उस हार्मोन का जो नाम होगा, ये पांच नंबर था वो हो जाएगा नंबर छः, उस हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। उस हार्मोन का नाम होगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, बस इस हार्मोन के बारे में बस इतना याद रखो, इसे बर्थ हार्मोन कहा जा, इसे क्या कहा जाएगा आपका, इसे बोला जाएगा आपका बर्थ हार्मोन। जो महिला हो, महिलाओं में जो लेबर पेन हो, उस लेबर पेन को कम करने का कार्य करें, लेबर पेन को कम करने का कार्य करता है। यानी जब महिला होती है उसमें जो प्रसव पीड़ा है, तो प्रसव पीड़ा को कम करने का कार्य करता है।
ठीक है। इसके इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं महिलाओं में जब प्रसव पीड़ा होती है उस समय, उस प्रसव पीड़ा को कम करने के लिए आपका ऑक्सीटोसिन जो होता है इसका इंजेक्शन भी दिया जाता है आपको, इस प्रकार इंसुलिन का इंजेक्शन आता है। ठीक है, तो अगर आप सब पूछे बर्थ हार्मोन कौन सा है तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। ये जो लेवर पेन है, जो प्रसव पीड़ा है, उस प्रसव पीड़ा को कम करने का काम करता है आपका। ठीक है, तो कौन सा हार्मोन था ये? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और किस ग्रंथि से निकल रहा था हमारा? पीयूष ग्रंथि से निकल रहा था। इस हमने पीयूष ग्रंथि में लगभग 6 हार्मोन पढ़े आपके। TSH हो गया हमारा, उसके बाद कौन सा था? सोमेटोट्रोफिन था। उसके बाद कौन सा? प्रोलैक्टिन था। उसके बाद कौन सा था? ACTH था। उसके बाद कौन सा था? ADH था। उसके बाद कौन सा है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है, इसके बाद हमारी लास्ट ग्रंथि बची हुई है, और लास्ट ग्रंथि कौन सी? हमारी हाइपोथैलेमस। तो आइए इसे रफ करते हैं और अब हाइपोथैलेमस को देखते हैं कि हाइपोथैलेमस में आखिर क्या चीज है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि, इसके बारे में बस इतना याद रखो, इसे सुपर मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। इसे सुपर मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। सुपर मास्टर ग्रंथि इस वजह से कहा जाता है, जो मास्टर ग्रंथि कहा जाता है वो आपका किसे कहा जाता है? पीयूष को, पिट्यूटरी को। लेकिन जो हाइपोथैलेमस है वो हाइपोथैलेमस पीयूष को कंट्रोल करती है, मतलब पीयूष तो सबे कंट्रोल कर रही है लेकिन ये पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करता है। तो इस वजह से कहा जाता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड या सुपर मास्टर ग्लैंड। तो अगर आपसे पूछा कि सुपर मास्टर ग्लैंड कौन सा है तो कौन सी हो जाएगी आपकी? हाइपोथैलेमस हो जाएगी। तो देखते हैं इसमें से कौन कौन से हार्मोन निकलेंगे। तो इसमें से एक हार्मोन निकलेगा, नंबर एक होगा, जिसका नाम है GHRH। पूरी फुल फॉर्म होगी ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। अभी बता देंगे इसका क्या मैटर है। दूसरे हार्मोन की बात करें तो दूसरा हार्मोन होगा GHIH, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। और ये जगह ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। उसके बाद होगा एक हार्मोन और इसमें लिख लेंगे तीसरे नंबर का, उसका नाम होगा डोपामीन हार्मोन, डोपामीन हार्मोन, डोपामीन हार्मोन। और इस डोपामीन हार्मोन को कहा जाए हैप्पीनेस हार्मोन, हैप्पीनेस हार्मोन। और इसी हार्मोन को कहा जाए लत लगाने वाला हार्मोन, लत लगाने वाला हार्मोन। ठीक है, अब देखते हैं, देखो GHRH ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, GHIH ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। देखो ये क्या है, ग्रोथ हार्मोन कौन सा था हमारा? ग्रोथ हार्मोन सोमेटोट्रोफिन हार्मोन था, जो वृद्धि करा रहा था आपका शरीर की। तो ये क्या है, वो पीयूष ग्रंथि कितना ग्रोथ हार्मोन निकाल लेगी वो ये काम करता है। ये जब ये GHRH भेजेगा तो वो हार्मोन क्या निकलता रहेगा, और जब ये GHIH हार्मोन भेज देगा तो जो ग्रोथ हार्मोन है वो निकलना बंद हो जाएगा आपका। ठीक है, एक तो बात याद रखेंगे। और इसी के साथ हाइपोथैलेमस से ये हार्मोन और निकलता है, इसका नाम है डोपामीन हार्मोन, हैप्पीनेस हार्मोन भी से कहा जाता है, हैप्पीनेस हार्मोन। और इसी को लत लगाने वाला हार्मोन कहा जाता है। इसका मतलब ये है, मान लीजिए आपने जलेबी खाई, दो दिन खाई, तीन दिन खाई, तो जैसे ही आप जलेबी की दुकान से निकलोगे तो जो हार्मोन है डोपामीन हार्मोन साबित होना शुरू हो जाएगा, यानी आपको उस चीज़ की लत लगाएगा, उस चीज़ आपका मन करेगा उस चीज़ को खाने का आपका। आपने धूम्रपान शुरू कर दिया तो धूम्रपान, मतलब जो धूम्रपान है तो धूम्रपान करने के लिए प्रेरित करेगा आपको। ठीक है, तो आपको उस चीज़ में मज़ा आने लगेगा, इंटरेस्ट आने लगेगा। ठीक है, तो ये कौन सा हार्मोन है आपका? ये है आपका डोपामीन हार्मोन। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। ये हमारा जो था ग्रंथि वाला टॉपिक था, यानी ये ग्रंथि का जो टॉपिक होगा वो हमारा यहीं पे समाप्त हो जाएगा। एक दो बिंदु से हो रहा है, फैक्ट है वो मैं आपको बता दूं। ठीक है, देखो कल हमने अंत्यस्रावी ग्रंथि के बारे में बताया था। अगर आपसे पूछे
सबसे छोटी बाह्य स्रावी ग्रंथि, तो आपका ग्रंथि बताई थी लैक्राइमल, लैक्राइमल वो सबसे छोटी बाह्य स्रावी ग्रंथि है, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि तो वो हो जाएगा यकृत, लीवर हो जाएगा, ठीक है। आपसे पूछे सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि तो कौन सा हो जाएगा आपका पीनियन। आपसे पूछे दूसरी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, दूसरी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी हमारी, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रैंड। और आपसे पूछे सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी, कल बताया था थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। ये कुछ फैक्ट है। तो आपसे पूछा 3F ग्रंथि कौन सी है, तो आपको बताई जा चुकी। 4S पूछे तो बताई जा चुकी। उड़ो लड़ो पूछे, इमरजेंसी पूछे तो बताई जा चुकी आपकी, ठीक है। इसी के साथ हमारा जो ग्रंथि वाला टॉपिक है, ग्रंथि वाला टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होगा। कल हम नए अध्याय की शुरुआत करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।